अगर आप लखनऊ में रहते हैं, अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का भी चाहते हैं, ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब हम आपको बताएंगे लखनऊ में क्या काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हम आपको पार्ट टाइम जॉब बताएंगे और इसमें काम बताएंगे कि जो वेटर वाला काम होता है होटल में काम होता है, ठीक है। तो इसमें वेटर वाला काम आपको बताया जाएगा और इसमें क्या काम करना होगा ये पूरी वीडियो में हम आपको बता देंगे। देखिए, आप अगर इस काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको मिलेगा 400 से 500 के बीच में रोज़ का पैसा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको खाने की दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर पार्टी में काम करेंगे, आपको खाने की समस्या नहीं होगी, खाने पीने को मिल जाएगा। और एक पहली बात ये रहेगी कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको काम क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको क्या काम करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ट्रॉली है, इसमें स्नैक्स रखा हुआ होता है और स्नैक्स को गेस्ट को सर्व करना होता है, ये आपका काम होगा। कॉफ़ी आपको सर्व करनी होगी, ठीक है, जैसे इसमें कॉफ़ी सर्व करनी होगी। पानी आपको सर्व करना होगा, पानी सर्व करना हो गया, कॉफ़ी सर्व करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सर्व करनी होगी। गेस्ट लोगों को पूछना होगा, सर कॉफ़ी पियेंगे ऐसे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें उसमें पूछनी होती है गेस्ट लोगों से। और पार्टी जो टाइप रहती है, उस पार्टी टाइप में आपको बता दें कि कभी कभी बर्थडे पार्टी होती है, मुंडन पार्टी होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ठेकेदार के थ्रू इसका काम होता है, आपको जो भी बुलाएगा वो अपना सेट कर लेगा, उस हिसाब से पैसे देगा। जैसे मान लो कि कोई 400 रुपये भी, अभी समय कुछ बच्चे 400 पाते, कुछ बच्चे 500, कहीं कहीं 5.5 या 6 तक भी चलता है, अपने काम के हिसाब से है, होटल के हिसाब से कि कितना बड़ा होटल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। छोटे होटल या किसी छोटे रेस्टोरेंट में काम करने जाएंगे तो उसमें आपको 400-450 मिल जाएगा, प्लस आपको उसमें टिप भी मिल जाएगी। टिप वैसे सब जगह मिल जाती है, लेकिन कभी कभी टिप मिलती, कभी कभी टिप नहीं मिलती है। तो ये बात रहती है कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं। और जो भी ठेकेदार है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपका कॉन्टैक्ट करवा देंगे उनसे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो काम देते हैं ज़्यादातर लड़कों को, वो मिल चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या काम होता है और कितने बजे तक होता है, कितने बजे एंट्री होती, कितना पैसा देते हैं। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सरवन गौतम है, मैं यहाँ होटल मैनेजमेंट का होटल का ओडीसी का काम करवाता हूँ। यह हमारा मतलब 6 बजे से स्टार्टिंग होता है, 4 से या 6 से, मतलब 8 घंटे का टाइमिंग रहता है। तो इवनिंग टाइम आपको 6 से, मान लीजिए कि शाम को जब तक पार्टी चलती है 12 बजे तक कभी कभी चलती है, कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उतने टाइम काम रहता है ना। कभी 4 बजे से स्टार्ट होती है, कभी 5 से भी स्टार्ट होती है, वो डिपेंड करता है कि जो पार्टी आपको बता रहा है, ठीक है, जो पार्टी आती है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने बजे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि शाम को ही स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर तिलक चढ़ता है, बारात आती है, तो सब शाम को ही काम होता है। एंगेजमेंट वगैरह डे में रहती है, तो उसके लिए डे में काम रहता है, वो 9 से या 10 से स्टार्ट होता है, 5 बजे या 6 बजे तक स्टार्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा। और आप ये बता दीजिए कि जो भी लड़कों को आप बुला के लाते हैं काम कराने के लिए, उनसे बेसिकली आप क्या काम करवाते हैं, कितना पैसा देते हैं, उन्हें क्या काम करना होता है, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ये सब सर्व करना होता है, बताइए आप। कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सर्व करना रहता है और गेस्ट को सब करके देना रहता है, और पिकअप वगैरह भी थोड़ा बहुत काम रहता है, सेटअप का थोड़ा बहुत काम रहता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहिए कि पिकअप का मतलब होता है कि किचन से आपको खाना लाना होगा, और यहाँ पर जिससे स्नैक्स जो भी, मतलब जो गेस्ट होता है जिसमें से खाना निकाल के खाता है, वहाँ तक आपको लाना होगा। पिकअप का मतलब ये हुआ, और सर्विस का मतलब ये हुआ कि खाना जो सर्विस है वो स्नैक्स पूछा जाएगा गेस्ट लोगों को, आपको कॉफ़ी पूछना होगा, कोल्ड ड्रिंक पूछना होगा और स्नैक्स पूछना होगा गेस्ट लोगों से, है ना सर, यही काम है। और इसमें आप ये बताइए कि जैसे कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है, वो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि बीच में 1-2 दिन हम काम कर लें, हमें 4-5 रुपये 1000 रुपये मिल जाए, तो क्या उसके लिए बेहतर जॉब है? ये बेहतर जॉब है, इसमें उसकी स्टडी भी हो जाएगी और बाकी क्लासेस वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, और बढ़िया से पैसा भी कमा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कमाना है तो सिर्फ नॉर्मल ही कमाना चाह रहा है तो हो सकता है, ये पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत ही बेहतर है। हाँ, तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, आप समझ गए कि काम क्या होगा। तो हम भी आपको बता देते हैं कि इसमें जो भी आप काम कर रहे होंगे, तो उस दिन आपको खाने की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पार्टी में काम करने आए हैं, आपको उस दिन का खाना भी अच्छा खासा मिल जाएगा, पार्टी का खाना खाने को, ठीक है। और अच्छे से काम कीजिए। और क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अगर रेगुलर 30 दिन का काम पकड़ लेंगे तब तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, है ना, 300 दिन आप काम कर नहीं सकते। तो आप ऐसा काम कीजिए, इस काम को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपकी इच्छा हो तो 2 दिन काम आए, काम पे आइए, आपका मन हो तो 3 दिन काम पे आइए, ठीक है, महीने में आप चाहें तो 4 दिन काम आए,
चार दिन काम पे आए महीने में, ठीक है, आपका 400 रुपये हो गए। अब आप खर्च कीजिए, कॉपी किताब बुक्स लेके आइए, पढ़ाई कीजिए। पैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी पैसे मिलते हैं और गेस्ट की तरफ से भी आपको टिप मिल जाएगी। अगर गेस्ट की तरफ से आपको टिप मिल जाती है तब तो आपको प्लस हो गया, जो पैसा मिलता है बढ़ता है। वैसे तो मैं 400 रुपये मतलब देता हूँ। अभी मार्च 2022 में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय की बात है। यहाँ पर आप कितना पैसा बच्चों को देते हैं? 400 रुपये देता हूँ मैं। 400 रुपये, तो देखिए आपको 400 रुपये आपको मान लीजिए इनकी तरफ से मिल जाएगा। अगर गेस्ट ने 100 रुपये आपको दे दिए तो आपके 500 रुपये हो गए, ठीक है। टिप देता है तो खाने पीने का आपका अच्छे से जुगाड़ हो गया, खाना पानी तो फ्री रहेगा, जो भी चलेगा। बस ये है कि जैसे आप यहाँ काम पे आए, आप तुरंत ही तुरंत खाने लग गए तो ये होगा कि आपको हो सकता है कोई कैप्टन कहे कि बेटा पहले काम आप कर लीजिए, तो हो सकता है आप असल तो आप बिल्कुल ऐसा आइए मैडम में खाना नहीं मिलता है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में हाँ ये होता है कि पहले आप गेस्ट को सर्व करना स्टार्ट कर दो, लेकिन हाँ और कहीं कहीं मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ होटलों में कि सबसे पहले एंट्री होती है, आप लोग खाना खाइए पहले, पहले जो स्टाफ है काम करने वाले लड़के हैं पहले आप लोग खाना खा लीजिए, ऐसा होता है कुछ होटल्स में, कुछ होटल्स में नहीं, नहीं होता है। कुछ बड़ी होटल्स में ज़्यादा करके होता है, बड़े नॉर्मल होटलों में नहीं होता है, जैसे कि 4-star 3-star वगैरह में होता है, ये नॉर्मल होटलों में नहीं होता। तो वहाँ पर कुछ बेसिकली कुछ काम ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चे एंट्री करते हैं और काम स्टार्ट होने से पहले उन लोगों को बोल दिया जाता है कि आप लोग कैफेटेरिया में जाइए और वहाँ पे खाना खा लीजिए। तो जो बच्चे काम करने आए होते हैं 5-6 बजे एंट्री लेते हैं, 7-8 बजे तक वो खाना खा लिए होते हैं। उसके बाद पार्टी का तो सभी लोग जानते हैं कि 8-9 बजे से ही पार्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, 8-9 बजे से जो पार्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद पार्टी लगभग जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बच्चे काम करते हैं। लास्ट में खाना मिलता है उन लोगों को, लास्ट में फिर ना पूरा पार्टी जब फिनिश हो जाती है तो आपकी छुट्टी हो जाती है, आउट कर लीजिए, आप घर जाइए, आपका पेमेंट बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक दोस्त मिल चुके हैं जो कि यहाँ इस होटल के स्टाफ मेंबर हैं, इनसे मिलते हैं और इनका नाम जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या काम होता है होटल में उस दिन जिस दिन बैंक्वेट में पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। सर आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नितिन कुमार पांडे है और मैं यहाँ का वेटर हूँ, और